हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे भाई, आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आया हूँ जो कि हर घर में यूज होने वाली वाटर मोटर होती है, जो कि क्रिप्टन, उषा और खेतान कंपनी की वाटर मोटर हर घरों में यूज होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा उसमें दोस्तों क्रिप्टन मोटर होती है, जो कि क्रिप्टन मोटर हर घरों में यूज की जाती है। वो भी ये मिनी क्रोम वन मोटर है, जो कि आपकी इसकी मैंने वाइंडिंग का डाटा आज कुछ मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए। तो ये देखिए, मिनी क्रोम वन मोटर है, जो कि सभी घरों में यही मोटर, खास करके यही मोटर यूज होती है। इसकी पावर की मैं बात बता दूँ तो ये पावर 1 KV होती है, लेकिन 750 वाट में ये मोटर होती है। तो आज इसकी वायर और इसमें डलने वाले वायर और इसकी क्वाइल स्पीचेस क्या होती है, स्टार्टिंग और रनिंग की क्वाइल में डिफरेंस क्या होता है, कितने टर्न दी जाती है, उस सारी की सारी डाटा मैं आज इस वीडियो के साथ आपको देने वाला हूँ। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो के साथ लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, फटाफट के अंदाज में आपको बता देता हूँ कि इसमें कितने नंबर के वायर से इसकी बाइंडिंग की जाती है तथा इसमें कितने टर्न आपके डाले जाते हैं, पर क्वाइल टर्न कितनी होती है, उस सारी की सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो से मिलने वाली है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो के साथ लास्ट तक जरूर बने रहिए। तो हाय दोस्त, मेरा नाम प्रिंस तिवारी, आप देख रहे हैं सीखो लेटो यूट्यूब चैनल। तो मेरे भाई, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट होगा, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ, आज भी बता रहा हूँ कि मेरा एक चैनल जिसका नाम प्रिंस तिवारी ब्लॉग, आप उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। साथ साथ इस चैनल जिसका नाम आपको सीखो लेटो यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ साथ एक बेल इन्फॉर्मेशन प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो की फर्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और एक लाइक मेरे वीडियो को कर दीजिएगा ताकि मुझे और सारी खुशी होगी और सारी वीडियो बनाने में। अगर आपको इलेक्ट्रिक संबंधित किसी प्रकार के वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट जरूर कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसमें कितने नंबर के कंडेंसर और कितने नंबर की वायर से इसकी बैंडिंग की जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी बात बता दूँ, ये स्टार्टिंग और रनिंग। तो दोस्तों, स्टार्टिंग और रनिंग, स्टार्टिंग में भी आपकी 3 स्लॉट की इसमें स्टेप बाय स्टेप कॉइल बना करके डाली जाती है, और रनिंग में भी 3 स्टेप की स्टेप बाय स्टेप कॉइल बना करके डाली जाती है। तो आपको देख रहे होंगे साइड में, आपको मैं इसकी थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ नज़दीक से कि ये आप देख लीजिए। इसमें देखिए, यहाँ आपको ध्यान से देखने वाली बात है ये कि देखिए, 3 कॉइल इसमें डाली होगी, ये 1 2 3 1 2 3, यानी कि 3 रनिंग और 3 स्टार्टिंग, यानी कि कुल टोटल इसमें 3 इस साइड में है, 3 इस साइड में स्टेप बाय स्टेप है, 3 नीचे और 3 ऊपर, यानी कि 6 कॉइल रनिंग की और 6 कॉइल स्टार्टिंग की डाली जाती है। बट इसके कौन से फ्रेम में इसकी कॉइल तैयार की जाती है, ये भी फ्रेम आपको मैं दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, देखिए इसकी कॉइल बनाने की कुछ जो फ्रेम होती है वो कुछ इस क्वालिटी की फ्रेम होती है। इस पर स्टेप बाय स्टेप इसको बोलते हैं, यानी कि फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप। तो इसमें ऐसे स्टेप बाय स्टेप इसमें 2 नीचे का और 2, यानी कि 2 स्टार्टिंग का और 2 रनिंग का कॉइल इसमें बना करके डाली जाती है। प्रॉपर इसमें 6 कॉइल आती है। तो स्टेप बाय स्टेप इसको कॉइल इसी फ्रेम से बनाई जाती है, बट आपको इसकी फ्रेम साइज निकालनी पड़ती है, जो कि स्टार्टर की आपकी कितनी मोटाई है, कितनी चौड़ाई है, इसको देख करके आपको स्टार्टर की साइज से आपकी फ्रेम तैयार करना पड़ता है। तो बट अब मैं इसके अगले वीडियो में आपको बता दूंगा कि फ्रेम कैसे बनाई जाती है, पर मैं आज इस वीडियो में आपको बता दूं कि इसमें बैंडिंग कैसे की जाती है। तो मैं आप तो समझ गए होंगे कि 3 कॉइल स्टार्टिंग की और 3 कॉइल रनिंग की डाली जाती है, प्रॉपर 6 कॉइल इसमें लगते हैं। बट इसकी क्या होती है कि इसमें स्टार्टिंग में कितने नंबर से बैंड की जाती है और रनिंग में कितने नंबर से बैंड की जाती है। तो इसकी स्टार्टिंग की जहां तक मैं बात बता दूं, इसकी स्टार्टिंग के लिए आपको इसमें 26 नंबर का वायर लेना होगा, 26 नंबर कॉपर या 26 नंबर एल्युमिनियम किसी भी से भी आप बैंड कर सकते हैं। बट इसकी रनिंग की मैं बात बता दूं तो इसकी रनिंग के लिए आपको 25 नंबर वायर कॉपर लेना होगा। और इसकी मैं वायर ये वेट की बात बता दूं कि इसमें आपकी रनिंग के लिए आपकी वायर की वेट इसमें रनिंग के लिए आपको 320 ग्राम कॉपर लेने होंगे। कॉपर की मैं वेट बता दूं तो 320 ग्राम आपको कॉपर लेने होंगे स्टार्टिंग रनिंग के लिए, और स्टार्टिंग के लिए आपको 270 ग्राम कॉपर लेने होंगे। 270 ग्राम स्टार्टिंग के लिए और 320 ग्राम रनिंग के लिए इसमें कॉइल लगती है। जहां तक मैं बात बता दूं इसमें टर्न की, तो इसमें स्टार्टिंग की टर्न दोस्तों 100 टर्न डाली जाती है, पर स्टेप बाय स्टेप 100 टर्न होती है, यानी कि इसमें इस फ्रेम में एक स्टेप पे 100 टर्न, दूसरे स्टेप पे 100 टर्न, तीसरे स्टेप पे 100 टर्न होनी चाहिए स्टार्टिंग के लिए। वही रनिंग के लिए इसमें दोस्तों स्टेप बाय स्टेप 90 टर्न की जाती है, यानी कि प्रत्येक टर्न में 90 टर्न होना चाहिए रनिंग के लिए, और स्टार्टिंग के लिए इसमें 100 टर्न होने चाहिए। इसकी मैं कैपेसिटी की बात बता दूं तो 8 FMD से लेकर के और 10 FMD के बीच में आप इसमें कैपेसिटर यूज कर सकते हैं। साथ साथ मैं इसकी सापट की बैरिंग की बात बता दूं तो सापट की बैरिंग की नंबर आपको इसमें 6202 नंबर बैरिंग दोनों साइड लगती है। तो ये आज मेरा वीडियो आपकी ये मिनी क्रोम मोटर जो कि वाइंडिंग की जाती है इसके डाटा पे रिलेटेड था। आप फिर से समझ लीजिए, इसके स्टार्टिंग के लिए आपको स्टार्टिंग कॉइल के लिए 26 नंबर वायर लेना होगा, और रनिंग कॉइल के लिए आपके 25 नंबर कॉइल वायर लेना होगा। वही मैं इसकी बात बता दूँ आपकी कॉइल पीचेस की, तो कॉइल पीचेस आपकी पर स्टेप बाई स्टेप स्टार्टिंग कॉइल की स्टेप बाई स्टेप
वन स्टेप में शॉर्ट टर्न होना चाहिए, एक स्टेप में शॉर्ट टर्न, दूसरे स्टेप में शॉर्ट टर्न, तीसरे स्टेप में शॉर्ट टर्न। वहीं रनिंग की इसकी बात बता दूँ तो पर स्टेप बाय स्टेप 90 टर्न होना चाहिए। तो अगर आपकी आप इसको फ्रेम बनाना चाहते हैं, इसकी फ्रेम कैसे निकाली जाती है कि इस पे ये फ्रेम कैसे बैठेगी, इसको बैठाना है, अगर इस क्वालिटी की वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स करें, कमेंट में आपकी पूरी फुल रिप्लाई दी जाएगी। तो ये मेरा आज वीडियो था आपको मिनी क्रोम वन मोटर वेंडिंग का डाटा के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। साथ साथ मेरा एक और चैनल जिसका नाम प्रिंस तिवारी ब्लॉग, उस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में।